हेलो दोस्तों, हम लोग अभी महाशिवरात्रि का मेला देखने के लिए निकल चुके हैं। ये हस्बैंड और इधर हम लोग का छोटू, देखिए क्या कर रहा है इसको पता नहीं। तो हम लोग बैग भी ले लिया, बैग में मतलब वो स्वेटर है, स्वेटर वगैरह है। तो पास में हम लोग का दीदी का घर पे है, वहीं पे बैग रख दूँगी। और हम लोग मेला घूमते आएंगे ना, तब तो ठंडा लगेगा ना, तब इन लोगों को पहना लोगे इसको, तो देखिए खुशी का मारे। तो चलिए एकदम डायरेक्ट जाके हम लोग मेला पे ही मिलते हैं आप लोग के साथ। तो गाइस, हम लोग अभी पैदल जा रहे हैं क्योंकि इधर पार्किंग लगा हुआ है। बहुत दूर से, बहुत दूर मतलब आधा किलोमीटर जैसा होगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर। ये छोटू थक गया इसलिए वो पापा का गोदी में, इधर देखिए जाने वाला जा रहा है, आने वाला आ रहा है। हम लोग मेला पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं भीड़। आते ही सुगु का नजर पड़ा हेलीकॉप्टर पे, उसको हेलीकॉप्टर चलाना है। और वो जीत भी कह रहा था मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, तो डरेगा बोल के सोचा, लेकिन नहीं डरा। उसके साथ उसका भैया को भी बिठा दिया। वो देखिए येलो हेलीकॉप्टर में हम लोग का सुगु बेटा है, पूरा मस्ती कर रहा है। उसका हंसी मुंह से जा ही नहीं रहा है खुशी के मारे। ये स्टडिंग भी पूरा घुमा रहा है। और ये भैया भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 रुपीज़ लिया है, दोनों को 100 हुआ है। तो दोनों को बहुत खुश कर हो गया और बहुत भी एंजॉय किया दोनों। मेला में इतना भीड़ था ना, आपका चलने के लिए ज़रूरत ही नहीं, आपको धक्का मार के ही लेके चला जाएगा, ऐसा भीड़ था। तो बच्चा जो लेके गया उन लोग के लिए बहुत तकलीफ हुआ। मेरे तो हस्बैंड पकड़ के रखा था सुगु को, तो ऐसे मेला दोबारा नहीं जाएंगे बोल के सोचा है, क्योंकि ऐसा भीड़ होगा बोल के मैंने कभी नहीं सोचा। तो उन लोग को खेलने के लिए मैंने ये यहाँ स्लोपिंग में लेके आ गया। देखिए सुगु तो उठ ही नहीं पा रहा है, भाई उसको ऐसा धक्का मार मार के उठा रहा है कि वो एक बोरा, आलू का बोरा के जैसा। तो दोनों भी बहुत मस्ती कर रहे हैं और बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। उसको पहले पहले थोड़ा डर रहा था, उसके बाद उसका हैबिट हो गया। एक बार डरा, नेक्स्ट बार खुद ही चलने लगा। देखिए उसका सपोर्ट में ही जा रहा है, भैया का सपोर्ट में ही सुगु उठ रहा है। गया साल इस सर्कस में उठ के, तो मेरा तो उल्टी ही आ गया था, सर भी चकरा था ऐसा, नीचे उतर के ऐसा उल्टी किया ना, हस्बैंड को भी चक्कर आ गया। तो इस साल तो उसका पास तो गया ही नहीं। तो सुगु का चलाना था ट्रेन, तो हम लोग आगे बढ़े ट्रेन की तरफ। वैसे तो ट्रेन में उठने के ही मुझे डर लग रहा था, तो हस्बैंड भी आ गया और भाई को बिठाया आगे की तरफ। तो ये देखिए सुगु तो बहुत मज़ा आ रहा है सुगु को, क्योंकि उन लोग बच्चा है तो वो लोग का अच्छा ही लग रहा है, लेकिन मुझे तो बहुत डर लग रहा था। जब वो ट्रेन चलता है ना, ट्रेनिंग के टाइम में मुझे बहुत डर लगता है। ट्रेन तो चल रहा है, मैं तो हस्बैंड को कस के पकड़ के रखा है वो डर के मारे। तो दोस्तों, मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग फेसबुक पेज में देख रहे हैं मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।